Hello guys, welcome back to Gym Talk Fitness Club. My name is Vishal and today we're gonna talk about a very very important and very popular topic nowadays which is called intermittent fasting. आज तक हम जो भी बात करते हैं मेरी पिछली वीडियोस में तो हमने उसमें ये बात की है कि हमें क्या खाना है, what you eat और कितना खाना है. But intermittent fasting is all about when to eat. आपको कब खाना है. तो ये सब बताने से पहले मैं बता दूं आपको हम क्या क्या कवर करेंगे इसमें. व्हाट इज इट, ये होती क्या है, क्या इससे फैट लॉस होता है, साइंस क्या है इसके पीछे, क्या इससे मसल लॉस होता है एंड हाउ टू डू इट फाइनली. तो ये चीजें मैं कवर करूंगा. तो सबसे पहले मैं कवर करता हूं कि व्हाट इज इट. इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आप दिन में एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक फास्ट करते हो और बाकी टाइम में आप खाते हो. लेट से अगर 24 घंटों में आप 15-16 घंटे फास्टिंग करते हो, बिल्कुल कुछ नहीं ले रहे हो, यू आर अलाउड ओनली फॉर वाटर, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी इन सर्टन केसेस, और बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप सिर्फ अपना खाते हो. तो इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि अगर आपके पास 7-8 आवर्स की विंडो है खाना खाने के लिए, जब कुछ भी खाने के लिए, तो आपको उस टाइम में उतना ही खाना है जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है. इफ यू आर इनटू फैट लॉस, अगर आप ये प्रोग्राम फैट लॉस के लिए यूज कर रहे हो तो उसमें आपको अपनी कैलोरी डेफिशिट में रहना पड़ेगा. लेट्स से अगर आप दिन में 2000 रिक्वायरमेंट है आपकी कैलोरी की, तो आप 1800 कैलोरीज ही खाओगे इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. सो अगला टॉपिक है फैट लॉस. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज स्पेशली मेंट फॉर फैट लॉस. इससे आपको बहुत हेल्प होता है फैट लॉस करने में. क्यों होता है उसके पीछे एक पूरी साइंस, बहुत ज्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड एज इजी एज पॉसिबल. आप जब फास्टिंग करते हो, आप 15-16 घंटे तक आप कुछ नहीं खा रहे हो, तो आपका जो इंसुलिन लेवल होता है ब्लड में वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. इंसुलिन एक्चुअली आपका हार्मोन होता है, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है जो कि आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो इन दैट केस आपकी जो बॉडी है वो एक सिचुएशन में चली जाती है जहां पे उसको लगता है कि मेरे को फूड नहीं मिलने वाला, तो मेरे को खुद को बचाना है. तो उस केस में आपकी जो बॉडी है वो फैट कम करना शुरू करती है, उसको बर्न करना शुरू करती है. तो इन दैट केस अगर आप फास्टिंग करते हो, आपका इंसुलिन ड्रॉप हुआ, उसकी वजह से आपका ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, ग्लूकोज का लेवल कम होने से आपकी बॉडी ने फैट को बर्न करना शुरू किया, अपना ग्लूकोज लेवल बढ़ाना शुरू किया थ्रू फैट. फैट को बर्न करके ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया ताकि आपकी बॉडी को जो है वो एनर्जी मिलती रहे. इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अक्सर देखा हो कि व्हेन वी आर इनटू आवर टीन एजेस, हम 21-23 या उससे कम एज के होते, तो हम बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, हमारा मसल अच्छे से ग्रो करता है, हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है उस टाइम के ऊपर. क्यों रहता है, बिकॉज उस टाइम पे हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है HGH, जो कि जिसका मतलब है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. जैसे जैसे आप एज होते जाते हो, यू क्रॉस योर 25-26 ईयर्स, वो जो HGH है वो डाउन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी बॉडी ड्यूरिंग दैट फास्ट अपने HGH लेवल को बढ़ाती है, अपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को इंक्रीज करती है. उसके इंक्रीज होने से एक तो आपका मसल लॉस नहीं होता है, प्लस आपकी बॉडी रिकवर करती है, फैट बर्न करती है रिकवर करने के लिए, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए तो वो फैट के ऊपर जाती है सबसे पहले जो उसके पास अवेलेबिलिटी है एज अ फूड. तो ये साइंस थी इसके पीछे थोड़ी सी. जैसे मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि इससे आपका मसल लॉस नहीं होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है, काफी सब्जेक्ट्स के ऊपर इसको ट्राई किया गया है, इससे मसल लॉस नहीं होता है. आप 72 आवर्स तक कंटिन्यूसली अगर फास्टिंग करते हो तो भी आपका मसल लॉस नहीं होता है. द क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट, हमें कैसे करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग. लेट्स से अगर आपका रात का जो डिनर है वो 10 बजे होता है, तो आपका वो लास्ट मील हो गया दिन में. तो अगर आपने 10 बजे अपना खाना खाया एंड यू गो टू बेड, तो आप अगले दिन दोपहर को 2 बजे खाना खाओगे, तो ये 16 आवर की फास्टिंग होगी इन बिटवीन. ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन कंज्यूम वाटर, कॉफी और ग्रीन टी विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क.
जब 2 बजे आपने खाना खाना है तो 2 बजे से लेकर रात के फिर 10 बजे तक आपके पास 8 घंटे की विंडो है, आप उस टाइम पीरियड में अपना खाना खा सकते हैं। आप 2 या 3 मील्स में उसको डिवाइड करें और इजीली खाएं। 16 आवर फास्टिंग इज अ स्टैंडर्ड टाइम, आप कम से कम 16 आवर्स करो। इन सर्टन कंडीशन यू कैन गो यू नो कम डाउन टिल 14 आवर्स ऑफ टाइम, बट यू कैन गो बियॉन्ड 16 आवर्स टिल 18 to 20 आवर्स। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसके, ये काफी प्रूवन है और काफी एक्सेप्टेड है आज के टाइम में। सो गाइज दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।